Hello everyone, hello all the kids for the first time. Hello, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे? अभी हाँ, जिन लोगों को थम्सअप पता है उनके पेरेंट्स ने बता रखा होगा कि जब भी मैं पूछूंगा यस और नो, तो आपको जब भी यस का जवाब देना होगा तो ऐसे थम्सअप करना होगा, ऐसे मुझे अंगूठा नहीं दिखाना, ऐसे टेढ़ा करके थम्स अप करना है कि आपको आवाज आ रही है, आप चीजों को समझ रहे हो, आपको चीजें पसंद भी आ रही है, नहीं आ रही। और एक और अच्छी बात, अपने टीचर की कभी बुराई नहीं करनी। मान लो आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो बोलना नहीं है कि पसंद नहीं आ रही है ना, नहीं तो फिर गुस्सा आएगा, फिर मैं पनिशमेंट दूंगा, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, सो टू ऑल द किड्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स, ये कोई ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग नहीं रहेगा जो आपका अगला एक्सपीरियंस है। आई थिंक कि आप सभी लोग इसको एंजॉय करने वाले। इसमें कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी ऑल विल बी शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, है ना, कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो, लाइफ में क्या कर सकते हो, कैसे करोगे, आपको पढ़ाई करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हैं तो वो उनसे कैसे उनको इग्नोर किया जाए, कब कब आप लोग उनकी बात को सुनो, कब कब आप लोग उनकी बात को ना सुनो। तो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को बिगाड़ने का काम करूंगा अगले 6 महीने तक, ना कि सुधारने का। सो मे बी ऐसा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि यार ये क्या पंगा ले लिया, है ना। सो वी ऑल विल लर्न समथिंग न्यू, समथिंग ब्यूटिफुल। और माई वीडियो इज नॉट स्टार्टिंग, कोई बात नहीं, जिसकी वीडियो नहीं चल रही अभी हम बात करते हैं, सबकी वीडियो चलवाएंगे, सब कुछ सीखेंगे। So, अभी के लिए मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 6 से 10 साल की एज के गैप में होंगे, मतलब 6 से 10 साल वाली एज वाले होंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ में रहें, उनको बताने के लिए जो भी बातें मैं आगे बोलने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और लाइफ क्या होती है। बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि पहले 7 साल तक, फर्स्ट 7 ईयर्स तक, जो आपका माइंड है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है या बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में चली जाएगी वो सबकॉन्शियसली आपकी पूरी लाइफ में काम आती रहती है। सो इसलिए उस वक्त उनके पेरेंट्स की जरूरत है। रेस्ट सारे बच्चे आराम से चीजों को समझ लेंगे। मुझे ये बात समझ में लॉयन आ गया, हाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो रेस्ट जितने भी बच्चे हैं जो बड़े हैं उनको अपने पेरेंट्स की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी, और जो उससे भी बड़े हैं, अप्रोक्सीमेटली टीन एज में चले गए हैं, 13 to 16, 17 है, उनको भी। So, पहली बार ऐसा होगा कि एक ही क्लास के अंदर नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक। और मैं ये मान के चलूंगा कि हम सभी लोग, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, हम सभी लोग एक ही रास्ते पर, या हम सभी लोगों को कुछ भी नहीं आता। मैं भी आप लोगों से सीखने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी मुझसे सीखने की कोशिश करोगे। इन दोनों बातों में फर्क सिर्फ इतना है कि सीखने सिखाने के प्रोसेस में मुझे पैसा मिला है और आप लोगों ने पैसा दिया है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं। आई एम 15, आई एम ऑलमोस्ट 14। हाँ, मैं अभी 15-14 वालों से तो अलग से बात भी करूंगा। इन लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कत तकलीफ होती है जिंदगी के अंदर कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, बड़ी मारामारी सी चल रही है, आसपास के लोग समझ में आने लगते हैं, लड़के को लड़कियां दिखने लगती हैं, लड़कियों को लड़के दिखने लगते हैं, ये सब बातें होने लगती है। अपन आराम से बातें करेंगे इन सब बातों के बारे में कि आपको लाइफ में कब कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, और क्या क्या चीजों को देखते आना चाहिए। So, सबसे पहली बात तो ये कि आई एम 19। अच्छा, ये 19 वाले लोग भी, 19 वाले लोग तो हमने कहे नहीं थे, हमने बोला था मैक्सिमम 17-18 है, बट फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि सेशन ठीक है तो ओके है। और वैसे सभी लोगों के लिए, सारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं या सारे बच्चे जो देख रहे हैं, किसी को ऐसा लगे कि बहुत बोरिंग हो रहा है या मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं करना, आज के बाद, आज शाम को इस सेशन के बाद अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा, हम लोग आप लोगों के रिफंड कर देंगे। बच्चों को शायद ये बात समझ में नहीं आएगी, पेरेंट्स जो देख रहे हैं अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं जी मेरे लायक ये सेशन नहीं है, या मुझे अभी नहीं समझ में आएगा, या हमारा बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है चीजों को समझने के लिए, या बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लायक नहीं उसको समझाने के, किसी भी केस में आप बातें बता सकते हो और मैं आप लोगों को, आप लोगों के जो भी पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो। आई एम 9, आई एम 7, आई एम 10, कोई बात नहीं, जो जैसा है जिस उम्र में है, मेरे को शक्लों से पता लग जाएगा, एक आध साल आगे, एक आध साल पीछे। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर देख ही रहा हूं कि कौन व्यक्ति अपने पेरेंट्स के साथ में बैठा है, और ज्यादातर कोशिश ये करो जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में मत बैठो, ट्राई टू कि भी आप अलग बैठो, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करो।
जो 10 साल से नीचे वाले बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठिए और चीजों को सीखिए। कुछ भी चीज अभी डायरेक्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि आप में से एक लड़का है उसका नाम जो है संधू मोसे वाला है, माजे वाला, वो कौन है? संधू माजे वाला कौन है पहले तो आप ये बताओ। संधू माजे वाला ये पक्का कोई पंजाब का होगा या गंगानगर का होगा पक्का, मतलब ऐसा खुरापाती सा नाम तो वहीं का कोई लड़का होगा। संधू माजे वाला दिखा दिखाओ कौन है और उनके पेरेंट्स भी दिखाओ कि कैसे हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र के बच्चे को ऐसा बना दिया। संधु माजे वाला अभी जितने बाकी बच्चे देख रहे हैं ना वो भी उसकी शक्ल आराम से देखना, कुछ खास होगा ऐसे प्राणी के अंदर पक्का। अब देखना कौन है, ये फिर से लायन आ गया, कौन है एक बार चेक। कौन करोगे संधू माजे वाला कहाँ है, भग गया गाना गा के भग गया। चलो अब जब भी आए इसको हम पकड़ेंगे और हम चीजेंगे कि कौन है संधू माजे वाला। आगे बढ़ने से पहले ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको जबरदस्ती सेशन में बिठाया गया कि मैं पंकज जी को बहुत मानता हूं या मानती हूँ और अब तेरे को तो ये कोर्स करना ही पड़ेगा और बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं, अब चुपचाप से अपना अंगूठा ऐसे दिखा दो या अपना हाथ ऐसे कर लो, चैट में मत लिखना यस नो यस नो। हाँ एक तो ये अभिराज है, बहुत बढ़िया अश्विका, अभिराज, सारांश, फेरी, नील, भाई जो आके ऑब्वियसली देखो ये बाकी जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हमें आप में ही इंटरेस्ट है और 5-7-10 बच्चे बोल रहे हैं कि हमें पेरेंट्स ने जबरदस्ती बिठाया, मेरा मानना तो ये कि सभी के पेरेंट्स ने जबरदस्ती ही बिठाया होगा। आप में से कितने ही लोग तो मुझे पहले से जानते हैं, कोई वास्तु पढ़ने आया नहीं होगा और ऐसे कोई फिल्म स्टार है नहीं कि आप लोग बहुत पहले से जानते हो ना, तो मैं मान के ही चल रहा हूँ कि आपको बोला गया होगा कि आपके लिए क्लास अच्छी रहेगी इसलिए आपको बिठाया। तो इस बात को आज की क्लास के बाद आप डिसाइड करना कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और आप ही लोगों के ऊपर ये चीज है, चाहे नील ने बात बोली, जित भी बच्चों ने बात बोली, आज की क्लास के बाद आप इस बात को सोचना कि आपके लायक है या आपके लायक नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं क्यों इस क्लास को करा रहा हूं या मैं क्या आप लोगों से चाहता हूं या आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मैं इस बात की गारंटी आप लोगों को दूंगा या मैं लेकर चलूंगा कि अगले 6 महीने के बाद आप जैसा व्यक्तित्व या आप जैसी पर्सनैलिटी या आप जैसा ऑरा या आप जैसी नॉलेज किसी और बच्चे को आपकी क्लास के या आपके इर्द-गिर्द लोगों को नहीं होगी। इस बात की मेरी 100% गारंटी रहेगी। जो भी बच्चा इन चीजों को अच्छे तरीके से करना सीख लेगा जो मैं कराने वाला हूं, सिर्फ अमल करने वाली बात होगी, सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बातें होंगी, जो अच्छे से करेगा एक भी टास्क आपके लाइफ में ऐसा नहीं होगा जो बोरिंग होगा, सारे इंटरेस्टिंग टास्क होंगे, सारे लर्निंग के टास्क होंगे और सारे ग्रो करने वाले टास्क होंगे, पर आपको करने होंगे, है ना। कई बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में बहुत ही इंफीरियर फील करते होंगे कि यार हमसे कोई बात नहीं करता, हमें डर लगता है, हम स्टेज की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, हम स्टेज पे नहीं जा पाते बिना किसी टॉपिक के। दुनिया का कोई भी टॉपिक अगर आपको मिलेगा आपको उसके बारे में नॉलेज होगी या आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो पर आप उसके ऊपर स्टेज पे कम से कम 1 घंटा बात जरूर कर सकते होगे आज से 6 महीने के बाद। हर बच्चा ये बात चाहता होगा ना कि मुझे कोई भी टॉपिक दे दे, मुझे कहीं पर भी कोई खड़ा कर दे तो मुझसे बेहतरीन कोई परफॉर्म ना कर पाए, चाहते होगे ना ये बात, यस और नो? आपको जब यस बोलना है ऐसे करना है, गर्दन नहीं हिलानी है, यूं ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको यस बोलना है तो ये करो। आप लोग ये चाहते होगे कि जब भी आप परफॉर्म करने निकलो तो आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो, आप अच्छे तरीके से डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लो। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप खुल के बोल सकोगे मेरे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आपके पास उसका एक वैलिड रीजन हो कि मैं इसको क्यों नहीं पढ़ना चाहता, और मुझे कोई चीज पढ़नी है तो मेरे पास उसका एक वैलिड रीजन हो कि मुझे ये चीज क्यों पढ़नी है। आप सभी लोग ये बात चाहते होगे, चाहते हो ना? इन सबके कैमरे ऑन कराओ पहले तो, इनकी शक्लें देखें बोली बोली। अब एक और बात, ऐसे कौन से बच्चे हैं यहाँ पर जिनको अपने जीवन में कुछ नहीं करना है कि जी मेरे को कोई माथापोड़ी नहीं करनी, ना मेरा इस बात में दिमाग लगाने का मन कि भाई जीवन में क्या होगा कैसा होगा, जो चल रहा है चलने में, ना तो मेरे को छेड़ो ना मुझसे छेड़ो। ऐसे कौन कौन है जिनको कुछ मतलब नहीं है, ना ही कुछ करना है ना ही कोई दिमाग लगाना है कोई? इधर एक अंगूठा उठा है, पारस। और पारस की मम्मी ने उठाया है, पारस जरा नहीं उठा रहा है, पारस की मम्मी उठा रहा है। इसको इसको समझाओ, इसको कुछ नहीं करना है। अरे बच्चे को खुद को उठाने दो,
आपके हिसाब से तो पारस बेचारा कुछ नहीं करेगा, हमारे हमारे पेरेंट्स के हिसाब से हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे, तो बच्चे क्या करेंगे बेचारे? बच्चों को बताना, ऐसा कोई है जो कहता भाई मेरे को तो मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, मेरे को जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो दो चार टाइम का खाना, दो चॉकलेट्स, तो बाहर नहीं रहने देता, मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसे कोई है? यस नो, कोई नहीं है। यस रेडमी आई हैव बट इट्स इनवैलिड, बट आई वॉन्ट नथिंग मोर। कौन है भाई ये यू यू और आगे फूल बना हुआ है? कोई लड़की होगी पक्का जिसके आगे फूल बना हुआ है, कौन है? अच्छा इनको कुछ नहीं करना, संधू माझे वाले को कुछ नहीं करना, ये वापस आ गए भाई, दिखाओ एक बार, इनको जीवन में कुछ नहीं करना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत ही मजेगी, जिनको इस उम्र में ये बात पता है ना कि मुझे कुछ नहीं करना, वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ के, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जिनको इस बात की एटलीस्ट क्लैरिटी है कि हमें कुछ नहीं ही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से जिंदगी किस रुख पर जाएगी, बिकॉज वो अपनी जिंदगी में कभी गिल्ट में नहीं रहेंगे कि हमने ये नहीं किया। मेजर फैक्टर इज आप अभी से, आप जितने भी बच्चे हो, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जो मैं फ्री हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, जो हो रहा है बस उसको एज इट इज होने दो। तो उसमें कुछ बच्चों ने हाथ उठाया कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसे कोई बच्चे हैं अभी जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा जो बातें मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ ऊपर से जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, प्रजन्या को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी एससी साइंटिस्ट, पेरेंट्स वॉन्ट एग्री, किसी ने लिखा, यू यू ने ही लिखा है, यू यू जो भी है, यू यू टू योर पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स को मेरी ज्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी, वो तब आती हैं उनको जब वो खुद सीखने निकलते हैं, क्योंकि मेरा वे दुनिया को देखने का ट्रेडिशनल है ही नहीं। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, दुनिया में काम हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वही लोग करते हैं जो दूसरों से कुछ अलग सोचते हैं, सेम वे में सोचने वाले लोग काम ही नहीं कर सकते। आप सभी लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों को ये बातें बताई होंगी ना कि हम अपने कॉलेज में टॉपर थे, हम अपने स्कूल में टॉपर थे, हम 10वीं क्लास में हमारे नंबर बहुत अच्छे आए थे, 12th में हमारे नंबर बहुत अच्छे आए थे, हमारे पेरेंट्स सुबह उठ के पढ़ने लगते थे, मतलब हम लोग सुबह उठ के पढ़ने लगते थे, रात तक सिर्फ पढ़ते रहते थे। आप सभी के पेरेंट्स ऐसी बातें बोलते होंगे कि नहीं बोल रहे? एटलीस्ट जो लोग टीन एज में है उनके तो पक्का बोलते होंगे, आजकल के नए नए पेरेंट्स है वो ऐसी बातें नहीं बोलते, बोलते थे ना? हाँ, इस बात को भी मान लेना कि ये सब झूठ है, अगर सभी के पेरेंट्स पढ़ रहे थे तो फेल कौन हो रहा था? उस जमाने में भी कोई ना कोई तो फेल होता होगा ना। हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स अपनी अपनी उम्र में अपने अपने तरीकों से चीजों को करता ही था, इसमें कोई दोराय नहीं, और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, जस्ट बात इतनी सी है कि आप उसको कितने कॉन्शियसली कर रहे हो और कितना अनकॉन्शियसली कर रहे हो। ये जो शब्द हैं आप लोगों के लिए थोड़े से हैवी होंगे, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएंगे। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत महान थे, चाहे आईएएस आईपीएस क्यों ना हो आपके पेरेंट्स, हर बंदा अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से काम करता है, ना तो कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ना ही कोई अनपढ़ व्यक्ति या जिस व्यक्ति का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हर किसी की अपनी ताकत होती है, उस ताकत को पहचानना हमारा काम है, और यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के अंदर बसता हुआ जो बच्चा है, जो भगवान है, वो अपनी अपनी ताकतों को जरूर पहचाने। तो कोई ना तो बड़ा है ना ही कोई छोटा है, आपके अंदर जो ताकत होगी हम उससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। आई वॉन्ट बी अ फैशन डिजाइनर, बहुत ही बढ़िया सर, थोड़ा धीरे बताओ ना, अभी तो मैंने कुछ बताना ही स्टार्ट नहीं किया। आई वॉन्ट टू बिकम एन यूट्यूबर एंड इन्वेस्टर फुल टाइम, बहुत ही बढ़िया। ये जो जो लोग बोल रहे हैं ना, अपना नाम असली डाल लो, iPhone 12 है या जो भी है, अपना नाम असली डालो। आई वॉन्ट टू बी ए लॉयर और ए वास्तु एस्ट्रोलॉजर, कुलकर्णी जी हैं कोई, कुलकर्णी जी की शक्ल दिखाओ, वास्तु वाला कौन बनना चाहता है भाई, हमारे धंधे में काहे को आ रहे हो? मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप दूसरा कोई धंधा करो, अगले 40-50 साल तक मुझे कर लेना, उसके बाद आ जाना जिसका ना, मेरे धंधे में काहे को बीच में आ रहे हो? आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन यूट्यूबर एंड इन्वेस्टर फुल टाइम, यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। दिखाना है उसका कमेंट, बड़ा अच्छा था, बच्चा है बच्ची, मेरे को उसका नाम भी नहीं समझ में आ रहा, शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है। यू 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 विल बी लेफ्ट विद नथिंग, हाँ ये रहा, इफ ट्राई टू बी एक्स्ट्रा यू विल हैव नन। ऑब्वियसली यस, अगर आप एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करोगे
तो आपको दिक्कत आएगी इसमें, तो कोई दोराई बड़ा मतलब दिमाग की इसका मतलब पेरेंट्स लिख रहे हैं, खुद लिख रहा है बच्चा, इसको दिखाओ किसी कौन है। आई वॉन्ट बिकम पुलिस अफसर, आई वॉन्ट बिकम बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, वॉन्ट बी क्रिकेटर, वॉन्ट बी साइंटिस्ट इंजीनियर। मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत अच्छी बात है इस उम्र में, आई एम 13 ओनली, बट आपकी सोच बहुत अच्छी है बच्चे, आप 13 साल के हो, आप काफी विकसित माइंड से हो, इसमें कोई दोराई नहीं है, अच्छा कर रहे हो। और आज मैं इनसे बात भी करूंगा, जो भी है यू यू प्रिया यू यू, मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा आज फोन पे, ठीक है। सो अब आई वॉन्ट टू बी एन यूट्यूबर और ए शेफ, ब्यूटिफुल। आई वॉन्ट टू बी एन IAS, डन, ठीक है। जो जो लोग, एक काम करो, आज आप सभी लोग अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें इस बात को पुख्ता करो, कौन बच्चा क्या क्या बनना चाहता है वो लिखकर डालोगे ग्रुप के अंदर। तो कोई मान लो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो आर्टिस्ट में भी क्या बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो यूट्यूबर किस कैटेगरी में बनना चाहता है, फिर उसके बाद कोई IAS बनना चाहता है तो वो क्यों बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर किस विषय में बनना चाहता है, ये सारी बातें लिख कर डालो। तो आप लोगों के कोई आइडियल्स भी होंगे, ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को उन आइडियल से मिलवा सकूं। मान लो कोई एक्टर बनना चाहता है, तो जो इस वक्त समृद्ध एक्टर है, मैं उनसे आप लोगों की कोई मीटिंग करा सकूं, कोई समृद्ध यूट्यूबर है, मैं उनसे आपकी मीटिंग करा सकूं, कोई IAS है, कोई कुछ भी है, उनसे मैं आप लोगों की मीटिंग्स करवा सकूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वो लोग कैसे बने, ठीक है ना। तो पहले आप लोग ये डाल देना कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा बनना है, और फिर सामने वाले का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको बता देगा। मान लो कोई वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो मैं उसको गाइड करूंगा कि कैसे वास्तु कंसल्टेंट बना जाता है, या बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, जो मेरा हार्ड कोर फोर्टे है वो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ बताने के लिए। लेकिन कोई हो सकता है बहुत अच्छा यूट्यूबर हो, मैं उससे आपको मिला सकता हूँ कि अच्छा यूट्यूबर कैसे बना जाता है, और मीटिंग आप लोगों की करवा सकता हूँ। तो आज के टास्क में आप सभी लोग ग्रुप के अंदर ये बात को डाल देंगे, और टीम भी आप लोगों को फोन करके या किसी भी तरीके से आप लोगों से बातचीत कर लेगी कि आप क्या बनना चाहते हो, कहां पर गड़बड़ हो रही है। आई ऑलरेडी वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर एंड वॉन्ट टू मेक प्रोफेशनल, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग बस लिखिए। जो लोग कंफ्यूज हैं वो भी ये बात लिख दीजिए कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ पता नहीं है और मेरा कोई खास मकसद भी नहीं है जीवन का, तो आप वो भी लिखिए ताकि मैं खुद उनसे बात करके बता सकूं कि आपको करना क्या है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये जानना जरूरी क्यों कि आपको बनना क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है अभी से इस बात को जानकर कि हमें क्या बनना है, हम इस बात पे फोकस ही क्यों करें, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जिंदगी में हर बच्चे को ये बात का मौका ही नहीं मिलता कि उसको सही तरीके से कोई गाइड करने वाला मिले, उसको ये बताने वाला मिले कि उसके जीवन में क्या सही है क्या गलत है। एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाती है, ज्यादातर बच्चों को ये बात नहीं पता लग पाती है कि जीवन में क्या चीज है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, कहानी मेरी ही है। जब मैं 8th क्लास में था, तो मुझे फर्स्ट टाइम ये बात पता लगी कि मुझे एक्टर बनना है। सभी बच्चे सिर्फ सुनने की कोशिश करना, आप लोगों को शायद अपनी अपना प्रतिबिंब, अपनी अपनी परछाई स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। चैट बॉक्स में मत लिखिए कि आप लोगों को अभी क्या बनना है, आप टेलीग्राम ग्रुप में लिखिएगा, है ना, यहाँ पर चैट में मत लिखिए क्योंकि मैं सभी बच्चों की चैट नहीं पढ़ पाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में लिखिएगा और वहां पर अपना नाम, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे आइडियल ये हैं। तो आपके जो भी आइडियल होंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनसे आपको मिला सकूं। इस वक्त देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहां तक हम लोग ना पहुंच सके, आप लोगों की मीटिंग ना करा सके, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को टॉप से टॉप क्लास लोगों से जरूर मिलूं। खैर, जब मैं 8th क्लास में था, तो मुझे फर्स्ट टाइम ये बात समझ में आई कि मुझे एक्टर बनना है। ज्यादातर बच्चों को ये समझ में आ जाती है बात, कब आती है अक्सर ये बात समझ में, जब आपके आसपास वाले लोग आपकी तारीफ करना स्टार्ट करते हैं। तारीफों के पुल बंधने स्टार्ट हुए ही थे, टीनेज में हम लोग आए ही थे कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो बन सकता हूं, लेकिन ये कभी पता ही नहीं था कि एक्टर बना कैसे जाता है। आपको एक ना एक दिन लाइफ में बात जरूर समझ में आएगी, चाहे आप 6 साल के हो, चाहे आप 7 साल के हो, चाहे आप 18 साल के हो, कि आपको जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए ही था। और जब वक्त निकल जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगी, तो आप वक्त से पीछे हो जाओगे। आप सभी जिस दुनिया से बिलोंग करते हो, पिछले 10-15 साल की जो दुनिया है, ये बहुत फास्ट है। हम लोगों का वक्त इतना फास्ट नहीं था, हम लोग बहुत स्लो जनरेशन से आते हैं, जहां पर
हम लोग एक ही टॉपिक के ऊपर एक एक महीना बात कर सकते थे। आज आपके पास हजारों लाखों टॉपिक हैं और आपके पास दिन बहुत कम है, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। आज हमारे वक्त में जो साइंस है वो इस बात पे खोज कर रही थी कि कंप्यूटर क्या है, आज लोग बात करते हैं मार्स पे कैसे जाया जा सकता है। दोनों बातों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ चुका है। आज कंप्यूटर की बात नहीं होती, आज फोन की बात नहीं होती, आज बात होती है फोन के अंदर लगे हुए सॉफ्टवेयर्स की। जिस दिन आप ये बात जानोगे कि मुझे क्या करना है, और उस दिन तक अगर आपने कुछ स्टेप नहीं लिया, तो आप एक स्टेप बैक आ जाएंगे। आगे रहने का मतलब क्या है? आगे रहने का मतलब ये है कि मेंटली हैप्पीनेस के साथ में आप कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे। ऐसा नहीं है कि दुखी होकर। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, इनफेक्ट ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने चरम शिखर पर थे। आप सभी लोगों को सुशांत सिंह राजपूत का तो केस याद ही होगा। इतनी बड़ी जगह पर जाने के बाद अगर किसी को कोई दुख हुआ है, तो वो बचपन से और धीरे धीरे आते थे सारे एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के बाद है। शायद किसी ने उसको खुश रहना सिखाया होता। आप जो भी कर रहे हो, आप हैप्पी हो, तो उसके साथ में वो तकलीफ शायद ना आई होती। मैं ये बात की गारंटी तो नहीं ले सकता कि वो तकलीफ नहीं आएगी, पर शायद वो तकलीफ उसको नहीं आई होती। ये जो प्रेशर है जो आप सभी लोग झेल रहे होते हो, एक बच्चे की लाइफ में क्या प्रेशर होते हैं कि मुझे सही तरीके से बस परफॉर्म करना है, मुझे हर किसी को ये बताना है कि मैं जो कर रहा हूं वो राइट है या रॉन्ग है। और प्रकृति मतलब ईश्वर ने आपके अंदर कुछ तो ऐसा डाल के भेजा ही होता है कि आप उसको अच्छे से दुनिया को दिखा सको। इस बात पर हमेशा यकीन रखना। जब मैं एक्टर बनने की खोज में चला तो मुझे ये बात पता ही नहीं लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, वक्त निकलता गया। आसपास के इलाके में दूर दूर तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ये बता सके कि इसका कोई कोर्स भी होता है या इसको सीखा भी जा सकता है, ये क्राफ्ट है, इसको सीखना पड़ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए तो फिर मैं दिल्ली पहुंचा। मैंने एनिमेशन का कोर्स किया सिर्फ इसलिए कि शायद फिल्म मेकिंग करने के सहारे ही मैं वो बन जाऊं। अभी तक मुझे कॉलेज में आके ये बात नहीं पता लगी, उस वक्त इंटरनेट इतना ऊपर नहीं था या इस तरीके के लोग नहीं थे। और फिर आपके इर्द गिर्द या मतलब आसपास ऐसे बच्चे या ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये बताने लग जाते हैं कि तू नहीं बन सकता, या तू किसी काबिल नहीं है, या तेरे में वो बातचीत नहीं है। मैं ये बात आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, जब भी आज के बाद आपको कोई ये बात बोले कि तेरे अंदर वो बात नहीं है, या तुम नहीं बन सकते, या तुम नहीं कर सकते, उस व्यक्ति से पल्ला झाड़ लेना, उसको काट देना। आप लोगों के अंदर कोई ना कोई ताकत ऐसी है ही कि आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो विचार आया है कि आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो आप बनोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्त कि आप उसके लिए मेहनत भी करो। आप सभी लोगों को ये बात कभी नहीं लगनी चाहिए, जिस वक्त जिस व्यक्ति ने, मैंने भी आपको कल परसों में ये बात बोल दिया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो मैं व्यक्ति आपकी लाइफ के लायक नहीं हूं। मैं आपको समझा तो सकता हूं कि हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई है, पैसा है, ये सब मेरे को ताकत नहीं देता। अगर फिर भी तुम तैयार हो तो मैं तेरे साथ हूं, ये बात फिर भी ठीक है। लेकिन कोई आपको बशर्त रूप में बात बोल दे कि आप तो सुंदर नहीं दिखते, या तेरा दिमाग अच्छा नहीं चलता, या तेरे फादर बहुत कमजोर हैं आर्थिक स्थिति, या उनके फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, या तुझे इंग्लिश नहीं आती, तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो जीवन में खुद भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। सो आप लोगों को इन सभी लोगों से दूर ही रहना है, या उनको मार्गदर्शन देना है, बताना है कि आप क्यों कर सकते हो। सभी बच्चों की बात समझ में आ रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें कभी भी यकीन मतलब ये मत मान लेना कि आप नहीं कर सकते। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, मुझे आज भी इंग्लिश नहीं आती। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फराटेदार इंग्लिश बोलते होंगे, बड़े बड़े स्कूलों में जाकर अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते होंगे, बात कर लेते होंगे, बट मुझे ये बात हमेशा पता थी कि मेरा कम्युनिकेशन मेरी सक्सेस के बीच में नहीं आ सकता। मैं सामने वाले को ये बात यकीन दिला सकता हूँ कि मेरे अंदर एक पावर है। यही बात आपको पता होनी चाहिए कि आपके अंदर एक पावर है ही। आप जो बनना चाहते हो जीवन में, उसका निर्धारण करो। कुछ बच्चे ऐसे निकल कर आए थे जिन्होंने बोला कि जी मैं कुछ नहीं करना चाहता, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है, जैसा जीवन चल रहा है चलने। एज सून एज आप सभी लोग 21 साल में एंटर करोगे, या 22 साल में एंटर करोगे, या 23वें साल में एंटर करोगे, लास्ट स्टेज है 23। समझदारों के घर पे 21 साल की वो उम्र है, और थोड़े से जो डिले है उनके घर में 23 साल की उम्र है। 23 साल की उम्र के बाद आपके पेरेंट्स, आपके भाई बंधु, या कोई भी व्यक्ति आपको इस आजादी से दूर ही करेगा। कोई भी आपको घर में बिठाकर नहीं खाना खिलाएगा, ना ही घर में बिठाकर आपको जीवन चलाने वाला। तो
तो जीवन में ये जो लग्जरी है, आलस की लग्जरी, कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, ये तभी आती है जब आपके पास थोड़ा सा पैसा होता है, या तो आपके पिताजी बहुत अमीर होने चाहिए नो डाउट, और आपके जो भी भाई बंधु हैं वो भी आप ही के जैसी सोच के होने चाहिए, नहीं तो ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे 21 से 23 साल में, ये आपको डिप्रेसिंग स्टेट में लेकर चले जाएंगे। इसलिए आपको ये फिक्स करना है पहले, ये आपको जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जीवन में कैन यू टेल नंबर इन इंग्लिश, मैंने नंबर तो भी बोला ही है। जीवन के अंदर लाइफ में जब आप 26, 27, 28 साल की उम्र के आसपास पहुंचोगे या 30 साल की उम्र के आसपास पहुंचोगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि जो पोजेशंस हैं, ये जो प्रोफेशंस हैं, ये सिर्फ एक ढोंग है। अल्टीमेटली जो सुख है वो आपको लग्जरी देती है, पैसा ही देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप सभी लोगों से ये बात बोली कि मैं एक्टर बनना चाहता था, तो क्या आज मैं ना खुश हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं वो बन जाता तो मैं कहीं ना कहीं दुखी होता, ना तो मैं उतना पैसा कमा पाता जितना मैं आज कमाता हूं, और ना ही मैं इस तरीके का लग्जरी जीवन जी सकता था, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके की आती है। इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे मैं गलत बोल रहा हूं चाहे मैं सही बोल रहा हूं, आपका अपना अनुभव आपके साथ में आएगा कि लगभग 30 साल की उम्र में आपको समझ में आएगा कि काम कोई भी हो, अगर उसके साथ में पैसा एसोसिएट हो जाता है तो आपको मजा आता ही है। यही दुनिया है, यही दस्तूर है। और एंड गोल ऑफ लाइफ क्या है? टू लीव अ लाइफ विच इज वेरी ब्यूटिफुल, जो बहुत अलग लाइफ हो, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हो, जो बहुत सुंदर लाइफ हो और बहुत मजेदार लाइफ हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अभी यहां पर लिखा है पायलट बनना है मैंने। क्या पायलट बनना बुरा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं। क्या पायलट बनना बहुत अच्छा है? पायलट बनना बहुत अच्छा है, ये भी नहीं कहा जा सकता। हर किसी का अपना अपना एक विचार होगा। आप पायलट बन गए, आप जब किसी एक अच्छे पायलट से बात करोगे, मैं करवाऊंगा जिसने भी बात लिखी, मैं बहुत ही बेहतरीन एक पायलट से आपकी बात कराऊंगा जिसको कम से कम 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो आपको तुरंत प्रभाव से बात बोलेगा, बेटा कुछ और। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली है कि जब भी आपको कोई ये बात बोले कि ये फील्ड आपका गलत है, ये सोच आपकी गलत है, या तेरे को ये नहीं करना चाहिए, या तेरे को यही करना चाहिए, ये सिर्फ वो थोप रहे हैं जो उनका अपना एक्सपीरियंस। अल्टीमेटली लाइफ में एक्सपीरियंस आपको खुद का ही बिल्ड करना पड़ेगा। सुख दुख उसके साथ में जो आएंगे वो आपके खुद के होंगे। मेरा मकसद ये है कि जब आप उस फील्ड को चूज कर रहे हो तो आप खुश हो। क्यों वो पायलट की नौकरी से ना खुश होंगे? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि बहुत ज्यादा एग्जॉर्शन के साथ में जब उनके ऊपर तनाव दिया जाता है कि आपको बहुत ज्यादा ड्यूटीज करनी है, तो उनको दुख होने लगता है और वो अपने पैसे को यूज ही नहीं कर सकते, डब्बे के अंदर बैठ के चलते जा रहे हैं, जाते हैं और आ जाते हैं। समटाइम्स इट मेक यू हैप्पी, समटाइम्स इट मेक यू सैड, इट डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा उस विषय से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। आज आप सभी लोगों को एक तो ये फिक्स कर ही लेना है कि आपको जीवन में क्या करना है, किस लेवल पर लेके जाना है। बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड कोई नहीं होता। मैं आपको एक इस बात का भी एग्जांपल देना चाहता हूं, बेस्ट नहीं बनना, खुश रहते हुए किसी भी काम को करना है तो आप बेस्ट हो ही जाओगे। इस वक्त बेस्ट कौन है उसका नाम लो कि भाई ये बेस्ट है, मुझे ये कैसे परफॉर्म करता है, उसकी लाइफ ये थी, मेरी लाइफ ये है, मुझे इतनी मेहनत करनी है ताकि मैं बन सकूं। ये एग्जैक्ट विजन होता है आपकी लाइफ का। जो इस वक्त बेस्ट चल रहा है उसको पीछे छोड़ना बेस्ट कहलाता है, अदरवाइज बेस्ट तो कोई है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी लगभग कितने बच्चे हैं? 250 बच्चे हैं, ठीक है, लगभग 250-300 बच्चे जो हो, इनमें से 10 बच्चों को मैंने रैंडमली उठा दिया और उठाकर रेस में दौड़ा दिया। अब इनकी रेस पे मिल्खा सिंह से तो हो नहीं रही है, कोई भी एक बच्चा जीत जाएगा। अब आपके लिए बेस्ट कौन हुआ जो इस वक्त जीता है? आप सेकंड बेस्ट हो गए, जो सेकंड आया, थर्ड हुआ, और जो बेचारा लास्ट आया बोला कि किससे तो मेरे को दौड़ाया था, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपकी दौड़ किसके साथ है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लाइफ में, इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि आप क्या बनोगे और कितना निखर कर आओगे। तो ऐसा मत लिखिए कि आप बेस्ट बनना चाहते हो, आप बेस्ट में क्या बनना चाहते हो, आपको ये फाइनल करना है। सभी बच्चों को, चाहे वो 6 साल वाला बच्चा है, चाहे वो 20 साल वाला बच्चा है, मेरे को ये बनना है, ये मेरा गोल है। इस वक्त
जो मैं बनना चाहता हूं उसका चरम शिखर ये है, इस ये व्यक्ति इस वक्त टॉप पर है मेरे हिसाब से, और मुझे इसको बीट करना है कम से कम। एक और बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आप सभी बच्चे ये बात डिसाइड कर रहे होंगे तो आपका विजन आज से 15 साल बाद का होना चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं है कि जो आज टॉप पर है उसकी स्पीड आज के हिसाब से होगी, आपकी स्पीड आज के 15 साल बाद की होनी चाहिए। मतलब आपको एटलीस्ट 15x मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। समझ में आया? अब ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको पढ़ाई पसंद है? पढ़ाई वाले तेरे, क्या बात है। पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट पसंद हो आप लोग लिखिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है। SST, इंग्लिश वाले तो दूर ही रहो भाई, आई लाइक इंग्लिश। पॉलिटिकल साइंस, मैथ, आई लाइक सब्जेक्ट इंग्लिश, बहुत बढ़िया। चलो अभी ये जो बच्चे हैं इनसे कन्वर्सेशन करके देखते हैं, जिनको पढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको ऐसा लगता है कि इनको पढ़ाई पसंद है। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र चलो इस पर भी बात करेंगे। वास्तुशास्त्र को पढ़ाई नहीं है, वास्तुशास्त्र एक्सपीरियंस है। जिन लोगों को पढ़ाई पसंद है, जिन बच्चों को पढ़ाई पसंद है, आपको लर्निंग पसंद है या आपको एजुकेशन पसंद है, इन दोनों में से एक चीज पे लिखिए, लर्निंग और एजुकेशन क्या पसंद है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब ऐसे बच्चे जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यार भाई लर्निंग क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, और हमें पढ़ाई से कोई ताना बाना नहीं है, वो भी लिखिए कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट से, ना मेरे को पढ़ाई करनी और ना मुझे कोई बात समझ में आ रही है। सिद्धू माजे वाला बेचारा बार बार, इसका नाम ही बड़ा अच्छा है, इसको जमींदार बनना है बच्चे को, मेरी बात कराना आज इससे ना। आई डोंट लाइक स्टडीज, कोई बात ही नहीं, डन। तो जितने भी बच्चों ने ये बात लिखी है, लर्निंग और एजुकेशन, आपको फोकस एजुकेशन पे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, लर्निंग और एजुकेशन में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूं। एक है कि आप सिर्फ किताबों को पढ़ रहे हो टू गेट द डिग्री, कि आपको 8th पास होना है, 9th पास होना है, 10th पास होना है। एजुकेशन एक्चुअली क्या होती है, जिसमें आपको ये पता लगता है कि आप वाकई में चीज को सीख रहे हो, आप एजुकेट हो रहे हो, आपके पास नॉलेज है। लर्निंग क्या है, आपको आज याद हो गया, आपने लर्न कर लिया, कल आप भूल गए, परसों आप फिर भूल गए। एजुकेशन का एक्चुअल मतलब क्या है कि आपको चीजों का एक्सपीरियंस इनबिल्ट क्या हो रहा है। इन दोनों शब्दों को अगर आगे पीछे भी कर सकते, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और एजुकेशन में सिर्फ आप एजुकेशन करते हो। मतलब समझने की जरूरत है, आपको चीज को सीखना है ना कि सिर्फ याद करना है, आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। आपके नंबर कम आए तो चलेगा, इस बात को हमेशा यकीन रखना, नंबर आना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चीज को समझना। मैं आपको ये यकीन दिला दूं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं, गलत आपके पेरेंट्स कहें कि भी टॉपर होने से आपने सेकंड करवा दिया, आपने थर्ड करवा दिया, आपने फोर्थ करवा दिया। मेरी लाइफ में, मैं अपने जीवन में कभी क्लास का टॉपर नहीं रहा, 7th और 8th पोजीशन पे यूजुअल रहा हूं मैं, अगर एवरेज करूं अपनी लाइफ को। मैंने लगभग 10 स्कूल चेंज किए, तो आप ये समझ सकते हो कि हर स्कूल में पर क्लास में 50 बच्चे अगर आते थे तो 10 स्कूलों में लगभग 500 बच्चे या 500 बैचमेट्स मेरे आज तक रहे हैं कम से कम। मैं जब कोटा गया तो वहां पर एक ही क्लास में 500 से 700 बच्चे थे, 1000 हो गए अप्रोक्सीमेटली। इन सभी की एवरेज मैं निकाल लूं तो मैं 10th नंबर पर अगर आता था, पर अभी तक टिल नाउ इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे आगे हो फील्ड में या हैप्पीनेस के मामले में या पैसों के मामले में, क्योंकि लगभग सभी लोगों से मेरा टच रहता ही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात पर फोकस किया कि मैं चीजों को समझ कर चलूं, 2+2=4 होता है तो वो क्यों होता है, मेरे लाइफ में कैसे काम आएगा, क्या मुझे व्यापार करने में काम आएगा कि नहीं आएगा, मैथमेटिक्स किस हद तक व्यापार करने में काम आती है, बिजनेस करने में काम आती है। एक व्यापारी ने, एक बिजनेसमैन ने मुझे एक बात बोली, समझाई, जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल, बहुत बढ़िया अंकल थे, उन्होंने मेरे को एक बात समझाई, अंकल आप तो अनपढ़ हो,
आप कैसे व्यापार करते हो? क्या बेटा मेरे में छोटी सी बुद्धि है, छोटी सी समझ है कि मैं 1 रुपए की चीज लेता हूं तो मैं शाम को 2 रुपए की उस चीज को बेच देता हूं, बस मुझे इससे ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती। ये थी समझ, और यही समझ आप लोगों को विकसित करनी है, डेवलप करनी है, अपने अंदर भरते चले जाना है उस समझ को कि आपके वो लायक है या आपके वो लायक नहीं है। आज आप लोगों को क्या क्या चीजें लिखनी है? नंबर 1 नेम, नंबर 2 गोल, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ के अंदर, नंबर 3 कि उस पर्टिकुलर गोल पर अभी आपका आइडियल कौन है और आप बनोगे कैसे, आप कैसे बनोगे। जैसे वही सिद्धू जी या संधू जी क्या लिख रहे हैं, मेरे को जमींदार बनना है, तो आपके हिसाब से बेस्ट जमींदार अभी इस वक्त कौन है उसका नाम आप लिखोगे, आप कैसे बनोगे जमींदार, को क्या क्या करना होता है जीवन में, ये सारी बातें आपको लिखनी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़े। एक चीज, एक टास्क मैं आप लोगों को आज और देता हूं, वो टास्क है आप लोगों को कहां पर लिखना है, अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है और लिखकर उसकी फोटो खींचकर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दो। बट एवरीवन विल चेक योर मार्क्स बिफोर चेकिंग योर नॉलेज, नहीं, अभी मैं बताता हूं प्रियांशी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका क्या आंसर होगा कि लोग आपके मार्क्स पहले पूछते हैं। What we have to write in the group, can you send it also? हाँ, आप लोगों को एक फॉर्मेट बनाकर बच्चों को दे देंगे। फॉर्मेट में क्या है, नाम, आपका आइडियल, आप किस जैसा बनना चाहते हो और वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, वो इस उम्र तक कैसे वहां तक पहुंचा। दूसरा टास्क आप लोगों को कहना है, आप सभी घर में न्यूज पेपर आता है, किस किस के घर में न्यूज पेपर आता है, यस नो? इतना बड़ा हाथ मत खड़ा करो ऐसे, मेरे को नहीं दिखेगा, आपको यही कैमरे के आसपास रखना है और ऐसे करना है। हाँ, न्यूज़पेपर आता है सभी के घर में? हाँ, जिसके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता, 10-15 न्यूज़पेपर लेकर रख लो, रद्दी वाले से मिल जाएंगे, पड़ोसियों से मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर कोई भी दे, न्यूज़पेपर लो। ऑनलाइन न्यूज नहीं पढ़नी है, मैं उसको एक टास्क देने वाला हूँ। आपको न्यूज़पेपर में करना क्या है, न्यूज़पेपर आपने खोला और मान लो ये आपकी कोई डायरी है, ये न्यूज़पेपर है, उसमें आपको लाइंस खींचनी है। कैसे लाइन खींचनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइंस आपको खींचनी है, जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको इस तरीके से पूरे न्यूज़पेपर में पेंसिल से ये लाइन खींचती जानी है। किसके नीचे लाइन खींचोगे, जितने भी वहां पर लाइनें बनी हुई हैं उसके नीचे लाइन खींचते जानी। समझ में आया है वाला टास्क? आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा कि क्या करने को मैंने बोला है। आपको सिर्फ लाइन खींचनी है। आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, आपको अखबार लेना है और अखबार में वो लाइनें खींचनी है लगातार। अगले 6 महीने में करीबन 600 न्यूज़पेपर हर बच्चे को ऐसे करने ही हैं, पढ़ने ही हैं। कम से कम 600 तो करने ही हैं। कैसे होगा, एक तो एडवर्टीजमेंट से भरा पड़ा। मान लीजिए कि ये एक न्यूज़पेपर है आप सभी के सामने। इस न्यूज़पेपर पे आपने सीधा यहां से आपको स्टार्ट करना है, इस वाली लाइन से, फर्स्ट लाइन से। इसके नीचे एक लाइन ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, जितनी भी लाइन है वो स्ट्रेट जानी चाहिए बिल्कुल। ट्राई कि वो सारी लाइन स्ट्रेट रहे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहे। सारे पेरेंट्स इस बात को ध्यान देंगे और सारे पेरेंट्स के उस पर व्हाट्सएप कर देना कि बच्चों को ये टास्क करवाना ही करवाना है। समझ में आई ना ये बात, लाइन खींचनी है। अभी से आज, मतलब आज आप एक एक न्यूज़पेपर करोगे और वो न्यूज़पेपर कल मैं आपकी यहीं पर स्क्रीन पर देखूंगा आप लोगों ने लाइनें खींच रखी है कि नहीं खींच रखी। दैट शुड बी फ्रॉम अ पेंसिल, नॉट अ पेन। आपको पेंसिल से वो लाइनें खींचनी है। कितने पेपर पे, आज के लिए आप सिर्फ 2 पेपर लोगे न्यूज़पेपर के जिसपे लिखा हो पूरे पर। एडवर्टीजमेंट वाला मत उठा लेना जिसपे फोटो में बनी हुई है, जिसपे अच्छा खासा सब्जेक्ट लिखा हो। इसमें से कोई ऐसा पेज निकालो जिसपे लिखा हो। सारा ही वो लग रहा है, डन। अब एक बच्चे ने आई डोंट अंडरस्टैंड, मैंने ये अभी मैं दिखाता हूं एक और न्यूज़पेपर लेकर। फॉर एग्जांपल ये जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर पर आपको पेंसिल से लेकर लाइन खींचते जानी है लगातार।
फ्री हैंड, फ्री हैंड, बिल्कुल फ्री हैंड, नॉट विद द स्केल, और आपके पास सिर्फ एक पेंसिल होनी चाहिए और आपको वो लाइन ड्रॉ करते जाना स्ट्रेट, और कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूज़पेपर है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो न्यूज़पेपर है, आपने यहां से शुरुआत करी, पेन नहीं निकल रहा, यहां से शुरुआत करी और इस तरीके से लाइन खींचते जाना है, स्ट्रेट लाइन कितनी ज्यादा खींच सकते हो। आज आपको दो पेपर ऐसे भरने हैं, दो चीजें आपको ऐसे भरनी है। रोज करना है टास्क, यस रोज करना है, और अगले 6 महीने में आप लोगों को करीबन 600, मतलब 1 महीने में 100 न्यूज पेपरों पर ऐसा करना है प्रत्येक बच्चे को। बहुत सारे जिज्ञासु बच्चे हैं जिन्होंने बात पूछी, जिज्ञासु का मतलब कोई लोग नहीं समझते होंगे इंग्लिश में, मुझे भी नहीं पता क्या बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके अंदर से ऐसे तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों हमसे कराया जा रहा है, उसका कारण दो, उसको आप जिज्ञासु भी कह सकते हैं, क्यूरियस, हाँ क्यूरियस, क्यों कर रहा है। हालांकि मेरा मन नहीं है इस बात को बताने का कि ऐसा क्यों करना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तीसरे महीने पर, मतलब थर्ड मंथ पर जो हम लैंड करेंगे आज से, तब मैं आपको इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि आपका जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो आपका बढ़ जाएगा। अब मैं आप लोगों को आज ये टास्क दे दूं कि आप लोगों को ध्यान करना है, आंखें बंद करनी है, फोकस करना है और अंतर ध्यान हो जाना है, ओंकार का उच्चारण करना है, तो शायद आप लोग नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन इज ऑल अबाउट। पेन पेपर लेना है और उस पर अपना फोकस ऐसा करना है, धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ानी है। दिस विल मेक यू मोर बेटर कि आप अच्छा लिख सको, अच्छा कंसंट्रेशन आपका हो, आप बोर ना हो, और आपको कभी भी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसी जगह मिल जाए जहां पर आपके कुछ भी करने को नहीं है, तो आप कम से कम अपना ध्यान एक जगह पर फोकस कर सको। इसलिए बेसिकली टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, वी डोंट गेट द न्यूज पेपर। अरे आसी पड़ोसी किसी के तो न्यूज पेपर आता होगा, इनके पेरेंट्स से बात कर लेना भाई, जिसके न्यूज पेपर नहीं आता आ जाएगा, कोई बात नहीं। इन रिटन वर्क और प्लेन स्पेस, इन रिटन वर्क डू वी रीड ऑल्सो एज ऑफ नाउ? नहीं, आपको अभी के लिए रीड नहीं करना है, अभी के लिए आपको सिर्फ लाइनें ही चलानी है। धीरे धीरे करके मैं आपको टास्क दूंगा इस पर्टिकुलर, और भी 5-7-10 टास्क आप लोगों की लाइफ में भी ऐड होंगे, जिसके बाद आप न्यूज इसी चीज को और अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, अभी तक की सारी बातें क्लियर है सारे बच्चों को? फिर आगे बढ़े, एक बार यस नो बोलो। नो न्यूज़पेपर ड्यू टू कोविड, कोई ऐसी किताब ले लो, कोई ऐसी बुक ले लो, पुराने न्यूज़पेपर होंगे, कोई जरूरी थोड़ी है आज ही का लेना है, आज से 1 साल पहले का न्यूज़पेपर ले लो, हमें कोई न्यूज़ पढ़ने से तो मतलब ही नहीं है। कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, मिल जाएंगे आपको बड़े आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार सारे बच्चे लिखिए कि आप लोगों को समझ में आ गया है जितनी भी बातें मैंने आपको बोली है। यस, टू बी स्ट्रेट टू गोल, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एंटायर पेपर नहीं, अभी के लिए सिर्फ 2 पेजेस पे, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, मतलब पहला एक पेज ले लिया और दूसरा पेज ले, पूरे पेपर पे नहीं कर पाओगे। अभी पहला ये ले लिया और उसके बाद इसको खोलकर, क्योंकि ये पेपर दोनों साइड से वेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये फर्स्ट है तो सेकंड यहां पर, इस पर, तो 2 पेपर पर आपको करना है, एक फर्स्ट और एक सेकंड जो खुलेगा वहां पर, इन दोनों पर आपको करना है। धीरे धीरे करके आदत डाल लेंगे कि आपका पूरा पेपर भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और टास्क आपको ये करना है। सपोज करते हुए जो भी आप सभी लोग बनने वाले हो, मान लो कोई एक बच्चा कहता है कि मेरा नाम अंकित है और मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूं, और मेरे जो आइडियल है वो कोई भी एक फुटबॉलर का नाम लो, मेसी ले लो, मेसी है, और मेसी आज वहां पर पहुंचे हैं, तो उसका कारण ये है या उसकी लाइफ ऐसी ऐसी है। इसको लिखने के बाद एक और मैं एग्जाम्पल दे दूं। मान लो कि आपने बोला कि मेरे को एक डॉक्टर बनना है, और एक्स वाई जेड डॉक्टर जो है वो इस वक्त इस देश के इस टॉप पर है, वो इस चीज के डॉक्टर है, और मुझे यही बनना है, और वो आज यहां पर है क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी ऐसी थी। के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर ये लिखना है, अगर आप डॉक्टर बन चुके हो, मान लो कि आप बन चुके हो, तो मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या किया है,
इमेजिन करना है, इमेजिनेशन कर सकते हो ना, कि मान लो कि आप में से कोई एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन है, मान लो कि आप अमिताभ बच्चन बन गए, मान लो कि मैं अमिताभ बच्चन हूं और मैंने अपने जीवन में ये किया, ये सोचते हुए कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपको अगर स्कूल में पढ़ते हो कितने लोग हैं उन्होंने आपको रोका होगा, आपके दिमाग में पक्का ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकते हैं, ये लोग मेरे को रोका करते थे, आप दुनिया को अपनी बात बता रहे हो ये बात सोचते हुए कि आप बन चुके हो वो व्यक्ति, और किस उम्र में आप बने हो वो उम्र भी आपके अंदर से निकल कर आएगी और आपको वो लिख देना है। तीन टास्क आप लोगों के लाइफ में आज ऐड हुए। नो सर हिंदी, आई डोंट, कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती नहीं है बेटा, प्रजन्या भट्ट बोल रहे हैं, कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, आप मुझे इंग्लिश आती नहीं है कोई खास, जिस जो भी आपके इर्द गिर्द, प्रजन्या भट्ट किसकी बेटी है, आप उनसे बात करो, उनको टास्क समझा दो, उनको चीजें समझ में आ जाएंगी। आई वॉज ऑलरेडी रेडी परफेक्ट, ये बात गलत हो जाएगी, आप परफेक्ट थे या परफेक्ट हैं, इन दोनों बातों में फर्क है। फिर से बात, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर बट आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल, हाँ अगर आप एक कोई चीज बनना चाहते हो आपको वो रोल मॉडल नहीं है, इंटरनेट पे सर्च करो कि बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं, बेस्ट डॉक्टर ऑफ द इंडिया कौन से हैं, हार्ट के लिए कौन से हैं, शरीर के लिए कौन से हैं, कैंसर के लिए कौन से हैं, दिमाग के लिए कौन से हैं, आंखों के लिए कौन से हैं, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड सर्च करो, किसी भी एक की लाइफ उठा लो कि वो बेस्ट डॉक्टर कैसे बना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आप लिख पाओगे। आई वॉन्ट टू बी जमींदार, संधू मैंने आपको बताया भी है, अगर आप जो भी बनना चाहते हो आप उसी के लिए जो भी आपके रोल मॉडल है आप उसके ऊपर ये काम करोगे। तो तीन टास्क मैंने आप लोगों को दिए हैं, इन तीनों टास्क को आप अच्छे से चीजों से लिखोगे, लिखने के बाद कल मैं इस पे ध्यान दूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया, कैसा कैसा किया और कहाँ कहाँ पर आप में पहुंचे हो, क्या क्या टास्क है आपको अपने बारे में लिखना है, आप जैसा बनना चाहते हो वैसा लिखना है, और आप बन गए हो तो आप कैसे लगोगे, अपना जीवन कैसे बताने वाले हो वो, और लास्ट अखबार के ऊपर लाइनें आपको ड्रॉ करनी है, आज फर्स्ट डे है तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे, डन, कल हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझने की कोशिश करेंगे चीजों को और फिर चीजों को सीखेंगे, लेकिन ये तीनों टास्क पूरे कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को कल की चीजें भी समझ में आए। थैंक यू, अभी के लिए अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल लीव द सेशन। थर्ड टास्क है अखबार के ऊपर लाइनें बनानी। कैन बी यूज द ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक्स, यस यस यू कैन यूज द ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक्स टू। हाउ टू डिसाइड व्हाट टू डू इन द फ्यूचर, आप पंजाब से हैं आप कह सकते हो कि हम पंजाब से हैं, फ्यूचर में क्या करना है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, जिनका कोई भी रोल मॉडल नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं करना है, वो अपने फादर को अपना रोल मॉडल मान ले, अपनी मदर को अपना रोल मॉडल मान ले, या कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो, यहाँ ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है उसको मान लो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको ये बात पता ही हो कि आपको जीवन में क्या करना है, आप सोचो समझो अपने दिमाग पर जोर डालो और आप किस चीज में अच्छे हो, आपको क्या लग सकता है कि मैं ये चीज करके देखू मुझे इस चीज में मजा आता है करने में, वही चीज आपके लिए बेस्ट चीज होगी। टास्क ग्रुप में डाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट टू बी बिजनेसमैन, अपना रोल मॉडल उठा लो, बिजनेसमैन कौन है इस वक्त बहुत अच्छे हैं। शुड वी सेंड दोज न्यूज पेपर लाइन्स डेली, यस यू हैव टू, आई थिंक माई मॉम एंड डैड डज नॉट अंडरस्टैंड मी, ऐसा सभी के साथ होता है बेटा, इसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का गैप, जिस तरीके का गैप आप लोगों के लाइफ के बीच में होता है, जनरेशन के बीच में होता है, अंडरस्टैंडिंग एक बखूबी सा पार्ट है कि आप लोगों के पेरेंट्स आपको नहीं समझ पाएंगे, आप उनको नहीं समझ पाओगे, इसको कोई खास बड़ी बात ही नहीं है। रोल मॉडल ना हो तो क्या करें, सिर्फ अपने बारे में लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है हर किसी की जिंदगी के अंदर कोई रोल मॉडल हो, अगर नहीं है तो हम क्या करें। माय पेरेंट्स हैव डिस्ट्रॉय, ये कौन है, यू यू परेशान है बच्चा, क्या इनको हम देख सकते हैं इस वक्त, नहीं दिखा तो कल से ना, एक तो कोई भी बच्चा ऐसा जो अपने नाम से नहीं है उसको हटा देना, उसको हम क्लास के अंदर एंट्री,
YouTube चैनल इज नॉट ग्रोइंग, कोई बात हम इस पे बात करेंगे। आप YouTube में क्या बनाते हो, कैसा बनाते हो? वुड यू रिकॉर्ड दिस? हाँ, आज का सेशन रिकॉर्डेड है, आज हम YouTube पर भी डाल देंगे, जिन लोगों को दोबारा देखना वो लोग दोबारा भी देख सकते हैं। आई थिंक इज इट कंपल्सरी टू हैव अ रोल मॉडल? ओके, कंपल्सरी नहीं है रोल मॉडल होना, लेकिन आइडियलाइजेशन बुरी नहीं होती, क्योंकि आपको सीखने को मिलता है। अगर आपका कोई रोल मॉडल नहीं होगा तो आपको एक रास्ता नहीं मिल पाएगा। एक तरीके से आप इस बात का समझ लो कि आप जंगल में चलेंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास रास्ता है तो आप थोड़ा सा आपका टास्क जो है वो आसान हो जाता है, इसलिए रोल मॉडल कह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसी व्यक्ति जैसा बनो ही बनो, आपको पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस फील्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा क्या किया है। और हर फील्ड में आप इस बात को मान के चलना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है ही इस वक्त, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही चुका है। आप उसका रास्ता एक बार के लिए मान सकते हो। मैं आपको कभी भी नहीं कह रहा कि आपको उसी के जैसा बनना है। अगर एक्टर बनना है तो अमिताभ बच्चन जैसा ही बनना है, आप किसी को भी ले सकते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, सो वी आर नेवर। अच्छा, मैं उस बच्चे का आंसर दे दूं, प्रियंशा का शायद उनका नाम, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ, रैपअप करूंगा। उन्होंने एक बात पूछी थी कि लोग अक्सर नंबर्स को ही तवज्जो देते हैं, नॉलेज को नहीं देते। आज के युग में, आज के जनरेशन में, आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप किसी से नौकरी लेने जाओगे, जब आप किसी के पास जाओगे, सबसे पहले आपको आजकल टास्क दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्टिंग अच्छी आती तो आपके पास यूट्यूब है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना अच्छा आता है तो आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सिर्फ फोटोज डालने के लिए नहीं होता है, फेसबुक सिर्फ अपनी कोई भी घर में मैं चाय पी रहा हूँ डालने के लिए नहीं होता। फेसबुक और यूट्यूब है अपनी बात को दुनिया तक एक्यूरेटली पहुंचाने के लिए। आपके नंबर्स कोई नहीं पूछता कि आपके कब कितने नंबर आए थे, सिर्फ ये बात पूछी जाती है कि आज आप कितना अच्छा कर रहे हो। आजकल वो जमाना है ही नहीं। हाँ, एकेडमिक्स के लिए आप जरूरी है, आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो नंबर जरूरी है, क्योंकि आप ही उस फील्ड से। आपको टीचर बनना है तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी खुद दूसरों को पढ़ाने वाले हो। इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है। अगर आप सेम फील्ड में हो तो आपके नंबर जरूरी है, अदरवाइज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डन, आपके 3 टास्क हम ग्रुप में लिख देंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और जो बच्चा बोर भी हुआ होगा वो अपने पेरेंट्स को बोल दे, ताकि हम कल से सिर्फ उन्हीं के साथ में इस जर्नी को कंटिन्यू करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे ऐसे बच्चे 5 हो, चाहे ऐसे बच्चे 50 हो, चाहे ऐसे बच्चे 500 हो, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे जो बच्चे वाकई में जीवन के अंदर इस पॉजिटिव रास्ते पर जाना चाहते हैं। जो नहीं जाना चाहते, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। जब जिनको समझ में आएगी तब उनके साथ में काम किया जाएगा। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे आप सभी बच्चों के लिए। मैं जब भी आऊंगा आप लोगों से मिलता रहूंगा। आप लोग जिस जिस रोल मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, आई विल ट्राई कि मैं उससे नजदीक की तो किसी ना किसी से आप लोगों को मिला ही दूं। थैंक यू वेरी मच, और कल फिर से 12 बजे राइट टाइम पे हम मिलेंगे। बी फ्री और अपने टास्क जरूर कंप्लीट करके आइएगा। Thank you.